दोस्तों नमस्कार। जैसा कि इसके पहले हम आपके सामने जो भी हमारे बेहतरीन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे आपको मिलवाए थे, तो इसी क्रम में हमारे एक और कॉन्ट्रैक्टर हैं मिस्टर घनश्याम जी, जो आज हमारे बीच में हैं और हम लोग के साथ में हैं। तो आइए उनसे समझते हैं अपना जो जीसी एडहेसिव है उसके बारे में। घनश्याम जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप बताइए, आप जो एडहेसिव वगैरह यूज करते हैं उसका क्या ट्रेंड है, कैसे करते हैं? ट्रेंड है जो जिस जगह पे मान के चलिए वाल है, जिस जगह पे सीमेंट का क्यूरिंग नहीं, मतलब ढंग से क्यूरिंग नहीं हो पाता है, उस जगह पे हम वाल में लगाने के लिए आपको यूनिफिक्स जो है, जो 2x4 का वाल टाइल्स है, जो आपको 8 फीट तक हाइट तक लगाने के लिए वो मतलब उसका यूज करते हैं। अच्छा, और उसमें है क्या, जो मान के चलिए टाइल लगने के बाद अंदर जो है क्यूरिंग नहीं हो पाता है, और टाइल्स में वजन होने के कारण वो कुछ दिन के बाद, वो सीमेंट पे लगाने के बाद वो गिर जाता है। इसी वजह से जो है से एडेसिव का उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एडिशन जो और सिल्फ करिंग होता है ना। हाँ, एडेसिव सेल्फ क्यूरिंग होता है और बढ़िया से मजबूती से पकड़ के रखता है। अच्छा, तो आप ऐसे क्या क्या चीज का काम करते हैं? टाइल्स में आपका टाइल्स मार्बल ये सब क्या क्या टाइल्स, करते हैं? मार्बल, इटालियन टोटल काम करते हैं, अच्छा ग्रेनाइट। अच्छा तो ये सब जो लगाते हैं वो लगाने का आपका तरीका क्या होता है? सीमेंट वालों यूज करते हैं या फिर केमिकल एडेसिव वगैरह यूज करते हैं? नहीं, एडेसिव ही अब ज्यादा, मतलब क्योंकि अब पहले वाला बात नहीं रहा, अब टाइल्स बिग साइज आने लगा, 8x4 का टाइल आने लगा, 6x4 का टाइल आने लगा, 2x4 का आने लगा। उसमें होता क्या है, जो बड़ा टाइल्स लगाने के बाद नीचे खाली रह जाता है, क्योंकि मिस्त्री लोग भी जो है उसमें मतलब ढंग से मसाला अंदर कितना भी कुछ करेगा तो वो एयर लेगा ही लेगा, और एडेसिव लगाने के बाद उसमें एयर नहीं रहता है और ढंग से बैठ जाता है, टाइल्स आपका साउंड नहीं करेगा। अच्छा, तो उसका इस वजह लास्टिंग से क्या हाँ होता है? सीमेंट और एडहेसिव के बीच में क्या फर्क होता है? अगर मान कर चलिए अगर सीमेंट लगाते हैं तो बड़ा सा टाइल्स में, उसका लास्टिंग क्या होगा? और अगर एडहेसिव लगाते हैं तो उसका लास्टिंग क्या होता है? एडेसिव का लास्टिंग बहुत रहता है, जो मान के चलिए उसका पकड़ ज्यादा होता है, और सीमेंट में लगाने के बाद उसमें क्यूरिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइल्स के अंदर पानी नहीं जा पाता है। अंदर पानी नहीं जाने के कारण जो है सो सीमेंट तो जानते हैं, जो क्यूरिंग नहीं होगा उसका स्ट्रेंथ जो है कमजोर हो जाता है, और ये खुद मतलब इसका मजबूती ये खुद पकड़ के रखता है। और दूसरा है जो टाइल में साउंड नहीं आएगा, उसका मजबूती ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है। अच्छा, यानी आपका कहना है कि जैसे छोटा टाइल्स में, तो जैसे छोटा टाइल्स होता है हाँ तो छोटा टाइल्स में हम लोग एडहेसिव यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हाँ हैं? कर सकते हैं, छोटा टाइल्स में भी एडेसिव यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप किसका यूज करते हैं? हम इसका जीसी का करते हैं। अच्छा, तो उसमें जो आपका क्वालिटी है या जो प्रोडक्ट का जो आपको लगा लगाने के बाद क्या आपका फीडबैक है? फीडबैक अच्छा है इसका, इसका फीडबैक बहुत बढ़िया है, क्योंकि तो हम लगाए हैं, इसका क्वालिटी भी बेहतर है और लगाने में भी इसका ज्यादा स्पेस लेता, मतलब अच्छा फैलता है, फैलता ज्यादा है, और इसका पकड़ मतलब भी अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर जाते हैं जैसे ये तो छोटा टाइल्स के लिए हो गया। अगर मान कर चलिए हम लोग को घर के अंदर में लगाना होगा, घर के अंदर में जैसे हो गया आपका बाथरूम हो गया या फिर कोई वाल वाला कुछ एरिया हो गया जहाँ पे हम लोग 2x4 टाइल्स लगाना चाहते हैं 6 फीट 8 फीट हाइट तक, तो उसके लिए अपना कौन सा डीसी का यूज करते हैं आप? यूनिफिक्स आता है T2, यूनिफिक्स हम जो है सो अंदर बाथरूम में के लिए 2x4 के लिए जो है सो ठीक है, 2x4 से बड़ा साइज आ गया यानी 32x64 आ गया, या मतलब जो है सो 6x4 का आ गया, तो उसके बाद उसके लिए हम मल्टीफिक्स यूज करते हैं, T3 आता है, अच्छा, हाँ वो यूज करते तो हैं। ये सब मटेरियल आप यूज किए हैं, ये हाँ सब यूज क्या किए हैं, इसका परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो इसमें इसको लगाने के बाद कुछ और आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए? जैसे हम लोग अभी जो आपके लिए जो क्वालिटी है वो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, तो उसके अनुसार आपका और कोई सजेशन इसके जो हम लोग का इसमें जैसी है उसके लिए? एडेसिव में क्वालिटी तो ठीक है, बेटर है, और एक इसका टाइल बॉन्ड आता है, सीमेंट बॉन्ड है। सीमेंट बॉन्डर बोलते हैं, सीमेंट बॉन्डर एक केमिकल आता है जो कि आप इस कंपनी में भी जो कि मतलब जो है सो हाँ। नहीं तो हम लोग का भी बहुत जल्द आने वाला है। जैसा कि इसमें कहना है हाँ कि यहाँ पे सीमेंट वाले जो टाइल्स लगता है उसके लिए कोई ऐसा एक इनको एडहेसिव चाहिए हाँ जो कि इनके लिए बेनिफिट हो,
तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग का एक सीमेंट वॉन्डर आने वाला है, जो कि हम लोग जहाँ पे सीमेंट वालों से 22 लाख आते हैं, वहां पे क्या होता है, बहुत ऐसा जगह होता है फ्लोर लेवल में नहीं होता है, तो सीमेंट वालों का यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारा एक सीमेंट वॉन्डर बहुत जल्द ही आप लोग के बीच में आने वाला है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और उसका आपको बहुत बेनिफिट दिखेगा। तो घनश्याम जी एक चीज बताइए, जो हम लोग का जैसे आप मार्बल लगाते हैं, तो मार्बल हाँ का बेस तो हाइट होता है, हाँ तो मार्बल में आप कौन सा एडहेसिव यूज करते हैं? मार्बल में हम मार्बो फिक्स आता है एक T4 करके, तो अच्छा। T4 करके आता है, उसी को यूज करते हैं, जो कि बेस व्हाइट रहता है, तो उसका भी बेस जो है आपका एडहेसिव का भी बेस व्हाइट रहता है, तो उसमें मतलब कलर डिफरेंट नहीं होता है बाद में, जो कि लगने के बाद भी वो जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो नहीं करता है, चाहे ज्वाइंट में भी ब्लैकनेस जैसा आ जाता है वो नहीं आता है। अच्छा, तो जैसे ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जो आप जैसे अपना व्हाइट जो बता रहे हैं मार्बल फिक्स है, तो कहाँ कहाँ आप यूज करते हैं? आप इटालियन लगाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, मार्बल व्हाइट मार्बल लगाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, ये स्विमिंग पूल में जो ग्लास ग्लास मोज़ेक है उसमें यूज कर सकते हैं, वॉल में कहीं वो आपका इटालियन लग रहा है या मार्बल लग रहा है उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, और अगर मान कर चलिए कोई अपना कस्टमर है जिनको आपसे टाइल्स के लिए बात करना होगा या स्टोन के लिए बात करना होगा, तो उनका कैसे आप सर्विस दे देते हैं? जैसे किन्हीं को अगर कस्टमर को चाहिए कि हमारा 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो आप उसको कैसे डील करते हैं, फोन पे बताते हैं या साइट विजिट करके वहाँ रेट होते हैं? नहीं, साइट विजिट करके रेट देते हैं, साइट विजिट करते हैं, देखते हैं उसके हिसाब से क्या वहाँ मतलब कौन सा मटेरियल लगेगा, उस हिसाब से क्वांटिटी और उसी के हिसाब से हम ऑर्डर देते हैं, जहाँ इतना ये माल लगेगा ये चीज लेके आइए। हाँ, और उसके लिए मैं अगर उनको नहीं समझ में आता है तो दुकान का एड्रेस बताते हैं, वहां से वो लोग लेते अच्छा, हैं। तो जो आपसे जुड़ना चाहेंगे, मान हाँ के चलिए जो कोई कस्टमर है, जो हाँ हमारा व्यूअर होंगे, उनको अगर आपसे कांटेक्ट करना होगा, हाँ तो आपसे कांटेक्ट कैसे करा रहे हैं? मेरा मोबाइल नंबर है, या दुकान पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सेरामिक जंक्शन करके है 70 फीट बाईपास, वहां पर से मेरा नंबर ले सकते हैं, और नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9430433333। हाँ, तो जैसा कि अभी हम डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर भी आपको शेयर कर देंगे, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल घनश्याम जी, हाँ जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी का जो समय है वो मॉडर्न हुआ है, तो उसमें लोग पहले लोग लगाते थे स्टोन लगाते थे बाहर में, अभी टाइल्स ग्रेनाइट का ट्रेंड चल गया है जो एक्सटर्नल में लोग लगाते हैं, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? और अभी अपना जो डीसी का जो एडहेसिव आता है, वो कौन सा एडहेसिव आप यूज करते हैं? देखिए, वो बाहर का मान के लगाना है ना, बाहर के लगाने के लिए T5 लगाते हैं, एक्सटीरियो एक्सटीरियो फिक्स आता है वो हम लगाते हैं, और पहले जो देखते होंगे आप पुराना पुराना मकान में पत्थर लगा दिए, एक पत्थर नीचे गिरा हुआ है, ये आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का पत्थर ले लो, अच्छा कितना भी अच्छा क्वालिटी का टाइल ले लो, अगर वो फिक्स सही ढंग से नहीं हुआ, सही मटेरियल से फिक्स नहीं हुआ, तो आपका लगाना बेकार है। अगर वो फिक्स सही ढंग से हो गया, अब मजबूती से फिक्स हो गया, तो आपका लाइफ टाइम के लिए मतलब जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर नॉर्मल अगर सीमेंट से लोग लगाते हैं, और बाय द वे एक छोटा सा भी स्टोन अगर हाइट से गिरता हो, तो उसमें तो जान माल का जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान है, नीचे पार्किंग रहता है, गाड़ी रहता है, गाड़ी खड़ी रहती है, अब इतना महंगी गाड़ी है, किसी के ऊपर पत्थर गया, किसी के बच्चे के खेलते हैं पार्किंग में वहीं गिर गया, कहीं कुछ भी हो सकता है, उससे अच्छा है जो मतलब जो है से जब लगाना हो तो एडहेसिव के थ्रू द्वारा लगा जाए, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, अच्छा, तो और इसका हिट जो है उसमें हिट जो सीमेंट हिट नहीं सह पाता है अच्छा जो एक्सटर्नल में। हाँ, उसमें जैसे डायरेक्ट धूप जो पड़ता है ना, तो धूप पड़ने के कारण जो है वो तो छोड़ पत्थर देता छोड़ है। देता है, अच्छा, और वो गिरने के ज्यादा चांस रहता है, और इसमें क्या है, जो आपको कितना भी हिट रहे, कितना भी एडहेसिव पर कितना भी हिट रहे, कितना भी धूप पड़े, आपको कुछ कहीं नहीं होगा। अच्छा, तो इसका जो अपना बता रहे हैं कि जो एडहेसिव अपना आता है एक्सटीरियो फिक्स जो बाहर में लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, T5 के नाम से आता है, हाँ तो ये जो अपना डीसी ब्रांड है, तो अभी आप जो यूज कर रहे हैं या अभी किए होंगे, हाँ तो उसका एक एक्सटर्नल में कोई हाइट लिमिट है या फिर? हाँ अनलिमिटेड हाइट है, अनलिमिटेड हाइट है, मान ले के चलिए आपका 10 तल्ला का भी बिल्डिंग है तो आप पूरा ऊपर तक लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टोन का साइज इसमें क्या डिपेंड करता है? मान के चलिए अगर
स्टोन का साइज या टाइल का साइज अगर बड़ा नहीं, कोई बड़ा साइज में भी लग सकता है, मेगा स्लैब भी लगा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उतना स्ट्रेंथ इसमें है जो पकड़ के रखते हैं। क्वालिटी का क्वालिटी, हाँ क्वालिटी देखा जाए तो अच्छा है। तो अभी हमारे साथ थे घनश्याम जी, तो अगर किसी को इनसे कांटेक्ट करना होगा तो इनका नंबर हम शेयर कर देंगे, आप इनसे कांटेक्ट करके अपना टाइल्स के लिए इनसे बात कर सकते हैं। इनका काम करने का जो तरीका है और जो इनका फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोग के साथ में इनका एक नेक्स्ट वीडियो आप लोग शूट करेंगे जिसमें इनका जो भी किया हुआ काम रहेगा, जो भी अभी तक साइट पर काम कर चुके हैं उसका फिनिशिंग हम आप लोग के सामने डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।